प्यारे बच्चों नमस्कार। हम पढ़ रहे थे प्रश्नावली 15, वर्त की परिधि और उसका क्षेत्रफल। तो कक्षा 10 प्रश्नावली 15.2 वर्त की परिधि और क्षेत्रफल। ये तो पूरी प्रश्नावली का नाम था कि वर्त की परिधि और वर्त का क्षेत्रफल। 15.2 में हम पढ़ेंगे लघु त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल ज्ञात करना, उसकी चाप की लंबाई ज्ञात करना और लघु वर्तखंड का क्षेत्रफल ज्ञात करना। तीन टॉपिकों के बारे में अध्ययन करेंगे। तीन क्वेश्चन पहले करवाए जा चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए। एक इक्कीस सेमी त्रिज्या वाले वर्त में केंद्र पर 60 डिग्री कोण का त्रिज्या खंड काटा गया है। प्रश्न ज्ञात करने इसमें एक तो त्रिज्या खंड के चाप की लंबाई दो त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल है, और तीन लघु वर्तखंड का क्षेत्रफल। तो इस प्रकार से देखिए, ये एक वर्त है, इस वर्त की त्रिज्या 21 सेंटीमीटर है, कोण 60 डिग्री है। ये जो आपके सामने ओ ए बी ये जो भाग दिखाई दे रहा है, ये लघु त्रिज्या खंड है। ए से लगाकर बी तक जो है चाप, ये इस चाप की लंबाई आपको ज्ञात करनी है। पहले प्रश्न में त्रिज्या खंड के चाप की लंबाई, तो हल देखें। त्रिज्या खंड के चाप की लंबाई का सूत्र है आपको पहले लिखाया जा चुका है, पाई आर थीटा बटे में 180 डिग्री। अब पाई का मान 22/7 होता है, आर होती है त्रिज्या, आर बोलते हैं त्रिज्या को। तो त्रिज्या है हमारे पास 21 सेंटीमीटर, तो आर का मान आ गया 21 गुणा में थीटा, जो कोण है केंद्र के ऊपर उसे बोलते हैं थीटा का मान। तो थीटा का मान आ गया हमारे पास 60 डिग्री बटे में आ गया 180 डिग्री। अब इसको काट दें, 0 से 0 कैंसिल जाएगी, 6 3 18 3 आ जाएंगे, ये 7 3 21 हो जाएगा, 3 से 3 कट जाएगा, यानी कि 22 सेंटीमीटर आपके चाप की लंबाई आ जाएगी। ये यहाँ से यहाँ तक 22 सेंटीमीटर का चाप होगा। सूत्र में मान रखने हैं, पाई का मान 22/7 गुणा में आर, आर त्रिज्या को बोलते हैं, त्रिज्या 21 है, तो 21 गुणा में थीटा का मान, ये जो कोण होता है केंद्र पर उसको बोलते हैं थीटा का मान, तो थीटा हो गई 60 बटे में 180।
जीरो से जीरो कट, छः ती अठारह तीन पे कट जाएगा, छः का भाग अठारह में देंगे तीन आएगा, सात का भाग इक्कीस में देंगे तीन आएगा, तीन से तीन कट जाएगा, बच गया 22 सेंटीमीटर। दूसरा प्रश्न देखें, त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल ये ज्ञात करने के लिए एक सूत्र तो होता है पाई आर स्क्वायर थीटा बटे में 360 डिग्री ये वाला। लेकिन जब आपके पास चाप की लंबाई आ जाए, जब हमारे पास एल का मान आ जाए और आर का मान हो, तो फिर त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल ये लगाने की ज़रूरत नहीं होती। ये तो हम तब लगाते हैं जब एक तो हमारे पास वृत्त की त्रिज्या दी हुई हो, एक कोण का मान दिया हुआ हो। अब आपके पास त्रिज्या और कोण का मान भी है, इस सूत्र से भी आप त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल ज्ञात कर सकते हैं और इस सूत्र से भी आप त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल ज्ञात कर सकते हैं। दूसरा सूत्र होता है, एक तो ये होता ही है पाई आर स्क्वायर थीटा बटे में 360, एक तो हम इससे ज्ञात कर सकते हैं पाई का मान 22 बटे 7 गुणा में आर है 21 गुणा 21 गुणा थीटा का मान 60 बटे में 180, एक तो हम इसके द्वारा ज्ञात कर सकते हैं और दूसरा जीरो से जीरो कट, छः ती अठारह, सात ती इक्कीस, तीन से तीन कट, 22 गुणा में 21 360 सॉरी जीरो से जीरो कट, छः छिके 36 और सात ती इक्कीस, तीन दुनी छः, ग्यारह दुनी 22 ग्यारह, तो 11 × 11 = 22 और 23 231 सेंटीमीटर स्क्वायर। एक तो हम इस सूत्र से ज्ञात कर सकते हैं पाई का मान 22 बटे 7 गुणा में आर की स्क्वायर है, आर 21 है तो 21 गुणा 21 स्क्वायर है तो दो बार लिखा जाएगा, गुणा में थीटा का मान 60 डिग्री कोण है तो ये आ जाएगा बटे में 360। जीरो से जीरो कट, 6 का भाग 36 में देंगे 6 आएंगे, सात का भाग 21 में देंगे 3 आएंगे, तीन का भाग 6 में देंगे 2 आएगा, दो का भाग 22 में देंगे 11 आएगा, तो 11 और 21 बच गए ऊपर, 11 × 21 231 सेंटीमीटर स्क्वायर। लेकिन ये सूत्र जब हमारे पास L का और R का मान आ जाए और फिर हमें त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल ज्ञात करना हो, तो एक और सूत्र होता है त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल बराबर एक बटे दो गुणा में एल गुणा में आर। एक बटे दो एल है आपके पास 22, आर है आपके पास 21, 11 × 22 11 × 21 231 सेंटीमीटर स्क्वायर। जब हम इतनी आसानी के साथ इस प्रश्न को हल कर सकते हैं तो ऐसे हल करने की ज़रूरत नहीं है, तो इसी प्रकार से हल कर लेना चाहिए जब आपके पास एल और आर आ जाएं। आगे देखें प्रश्न नंबर तीसरा, तीसरे प्रश्न में देखें, इसने पूछा है लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल। तो देखिए लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल बराबर लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल बराबर सूत्र है पाई आर स्क्वायर थीटा बटे में 360 माइनस आर स्क्वायर बटे में 2 साइन थीटा, क्योंकि लघु वृत्तखंड तब बनता है जब यहाँ पर एक जीवा आ जाए। जीवा आने पर ये भाग जो है इस भाग को बोलते हैं लघु वृत्तखंड। एक जीवा और एक चाप से घिरे हुए बंद क्षेत्र को लघु वृत्तखंड बोलते हैं। ज़्यादातर बच्चों के लघु वृत्तखंड और लघु त्रिज्याखंड मिक्स हो जाते हैं, तो नाम से पता रखिए त्रिज्याखंड तो होता है दो त्रिज्या और एक चाप से घिरा हुआ बंद क्षेत्र, वो तो त्रिज्याखंड होता है। त्रिज्याखंड के क्षेत्रफल का सूत्र पाई आर स्क्वायर थीटा बटे 360 होता है और त्रिज्याखंड के चाप की लंबाई पाई आर थीटा बटे 180 होती है।
जब बात आती है वर्तखंड की, तो वर्त का टुकड़ा हो गया एक जीवा और एक चाप के मध्य घिरे हुए बंद क्षेत्र को लघु वर्तखंड कहते हैं। अब लघु वर्तखंड का क्षेत्रफल ज्ञात करना है तो ये जो त्रिज्या खंड है पूरा, इसका क्षेत्रफल ये होता है, इसमें से ये जो त्रिभुज है इसका क्षेत्रफल माइनस करना होता है। इसीलिए देखिए इसी सूत्र में से पाई आर स्क्वायर थीटा बटे 360 में से आर स्क्वायर बटे 2 साइन थीटा माइनस किया है, जो इस त्रिभुज का क्षेत्रफल है। अब देखिए यहाँ पर इसका मान तो हमने निकाल रखा है, दोबारा निकालने की ज़रूरत नहीं है, 231 आया हुआ है, तो इसके स्थान पर तो लिख देंगे 231 माइनस आर 21 है, तो 21 गुणा 21 बटे में आ गया 2 गुणा साइन थीटा की जगह आ जाएगा साइन 60 डिग्री, क्योंकि यहाँ पर जो एंगल होगा वही थीटा का मान होगा। अब साइन के मान आपको लिखाए थे, साइन 30 डिग्री का मान होता है 1/2, साइन 45 डिग्री का मान होता है 1/√2, साइन 60 डिग्री का मान होता है 3/√2, साइन 90 डिग्री का मान होता है 1, और साइन 120 डिग्री का मान होता है 3/√2। इससे ज़्यादा मान आपके क्वेश्चनों में नहीं पूछे जाएंगे। ये जो 15वां चैप्टर है इसमें साइन के जो भी मान लगेंगे वो यही एंगल मिलेंगे आपको, या तो 30 का मिलेगा या 45 का या 60 का या 90 का या 120 का। जब इन एंगलों पर आपको किसी त्रिज्या खंड का या लघु वर्तखंड का क्षेत्रफल निकालना होगा तो ये मान लगाए जाएंगे यहाँ पर। अब देखिए ये आ गया 231 माइनस 21 को 21 से गुणा करने पर ये 441 गुणा में साइन 60 का मान 3/√ बटे में ये 2 और ये भी 2, ये 231 आ गया। अब इसको अगर आप काटना चाहें तो काट भी सकते हैं, जैसे कि इसको 21 गुणा 21 ही लिख दूं मैं, 441 को 21 गुणा 21 तो ये आ जाएगा 10.5 पे कटेगा, ये भी कटेगा 10.5 पे, 10.5 को 10.5 से गुणा करें तो 11 में 110.25 गुणा में 3/√ का मान 1.73। अब इनका गुणा करके 231 में से घटा दें, घटाने पर उत्तर हमें प्राप्त हो जाएगा, तो 110.25 को गुणा करना है 1.73 से। ये जो 1.73 है ये 3/√ का मान होता है, 3/√ का मान होता है 1.732, दशमलव के दो अक्षर तक ज़्यादा लेते हैं इसलिए मैं दो ही अक्षर तक गुणा कर रहा हूँ, 3 तक भी गुणा किया जा सकता है, और 2√ जो है उसका मान होता है 1.414। यहाँ पर या तो 2√ आता है या 3√ आता है, तो 2√ या 3√ का मान आप लगा करके आगे क्वेश्चन को हल कर सकते हैं। तो गुणा करें, 5 × 3 = 15, सलगी 1, 3 × 2 = 7, 0, 3 × 1 = 3, 3 × 1 = 3, 7 × 5 = 35, असल 3, 7 × 2 = 14 और 3 × 17 = 27, असल 1, ये 1 आ जाएगी 7 और 7। अब 5 × 1 = 5, 2 × 1 = 2, 0, 1 और 1। अब देखें ये 5 आ जाएगा, ये 7 × 5 = 12, असल 1, 7 × 5 = 12 और 1 = 13, असल 1, 3 × 3 = 6 और 1 = 7, 7 × 3 = 10 = 0, 7 × 1 = 8 = 9 और 1, 2 × 2 = 4 अक्षर पे पॉइंट आ जाएगा 190.7325। तो 231 में से घटाएंगे 190.37325। अब घटाओ कर दें, 231.0000 और इसमें से घटाना है पॉइंट, किस दान में पॉइंट लगाएंगे, ये 7325 इधर और 190 इधर, 10 में से 5 गए 5, 9 में से 2 गए 7, 9 में से गए 6, 9 में से गए 2 पॉइंट, यहाँ 10 0 और यहाँ पर 13 में से 9 गए 4, तो 40.2675 ये हमारा उत्तर हो जाएगा। बाकी इतना ज़्यादा लंबे चौड़े गुणा
और ये करने की ज़रूरत नहीं है। इस सूत्र को यदि हम यहीं पर छोड़ दें तो भी सही रहेगा। यदि इसी उत्तर को ज़्यादा बच्चे गुणा भाग करना पसंद नहीं करते आजकल, इसलिए 231 पॉइंट ये आ जाएगा 441 बटे में 2 गुणा में रूट 3 बटे में 2, 231 माइनस 441 गुणा रूट 3 बटे में 4 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये यहाँ तक भी कर सकते हैं। तो इस प्रकार से पहला, दूसरा और तीसरा तीनों टॉपिक क्लियर हो गए। पहला उत्तर आया 22 सेंटीमीटर स्क्वायर, दूसरा 231 सेमी स्क्वायर और तीसरा उत्तर आया हमारा 231 माइनस 441 रूट 3 बटे 4, या फिर निकालें तो 40.2635। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। वीडियो देख करके, इसको अच्छी तरह से समझ करके अपनी नोटबुक में बच्चे काम करते रहें, क्योंकि इस बार टाइम बहुत कम मिलेगा और बुक बड़ी है 10वीं क्लास की, जल्दी से कोर्स कंप्लीट नहीं हो पाएगा। तो वीडियो के द्वारा अध्ययन करते रहें, बार बार खुद भी करें और अपने साथ वालों को भी शिक्षा दें कि वो भी ध्यान दें वीडियो पर और वीडियो से अपना काम जारी रखें, ताकि जब जैसे ही क्लासें लगें ज़्यादा दिक्कत नहीं आए। वरना तो जब क्लासें लगेंगी तो फिर सिलेबस ज़्यादा होगा और टाइम कम। तो क्लासों में क्या है कि जब पढ़ाएंगे तो थोड़ा स्पीड से काम करवाना पड़ेगा, तो स्पीड से काम करवाने पर अगर वीडियो देखे हुए होंगे तो आसानी के साथ समझ में आ जाएगा, अगर वीडियो देखे हुए नहीं होंगे तो समझ में इतना जल्दी नहीं आ पाएगा। देखें क्वेश्चन नंबर पाँच। एक घड़ी के मिनट की सुई, एक घड़ी के मिनट की सुई 10.5 सेमी लंबी है। मिनट की सुई द्वारा 10 मिनट में तो आपने घड़ी देखी होगी, इस प्रकार से घड़ी होती है। घड़ी में घंटे और मिनट की सुइयों को भी आपने देखा होगा, जैसे ये मिनट की सुई है, मिनट की सुई जब हिलती है तो इस प्रकार से, जैसे कि 10 मिनट में ये यहाँ आ जाती है, तो हम देखते हैं कि एक त्रिज्याखंड बनता है। इस त्रिज्याखंड का अब क्षेत्रफल बताना है, तो घड़ी के मिनट की जो सुई है उसकी लंबाई है 10.5, तो सुई की लंबाई है उतनी ही तो त्रिज्या है, क्योंकि सेंटर से लगा करके घड़ी की ऊपर परिधि तक सुई की लंबाई होती है। तो त्रिज्या की जगह तो लंबाई आ गई इसकी, तो त्रिज्या तो हो गई हमारी 10.5। लेकिन त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए, त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल अगर हम ज्ञात करें तो सूत्र होता है हमारे पास पाई आर थीटा, पाई आर स्क्वायर थीटा बटे में 360 डिग्री। अब आर तो हमारे पास है, लेकिन केंद्र पर कोण कितने डिग्री का बना है वो हमारे पास नहीं है। यानी हमारे पास आर का मान तो है 10.5 सेमी, लेकिन हमारे पास
थीटा का मान उपलब्ध नहीं है। थीटा के मान के लिए स्वाभाविक सी बात है, सभी लोग जानते हैं कि घड़ी के घंटे की सुई, मिनट की सुई 60 मिनट में इसके चारों ओर एक चक्कर पूरा करती है। 60 मिनट में एक घंटा होता है, सभी जानते हैं। और एक घंटा बनाने के लिए इसको चारों ओर एक चक्कर पूरा करना पड़ेगा, यानी 60 मिनट के अंदर मिनट की सुई 60 मिनट में मिनट की सुई तीन सौ साठ डिग्री का कोण बनाती है। जब चारों ओर घूम जाएगी तो 360 डिग्री पर घूम जाएगी ना, ये वृत्त के केंद्र पर 360 का कोण होता है पूरा। 60 मिनट में मिनट की सुई 360 डिग्री का कोण बनाती है, तो एक मिनट में कितने डिग्री का बनाएगी, ये पता लगाने के लिए पता ही है। ज़्यादा का दिया है, कम का ज्ञात करना है तो भाग दिया जाता है। छोटी क्लासों में एक एक नियम पढ़ा होगा तो पता चलेगा कि एक मिनट में कितने डिग्री का कोण बनाएगी, 6 डिग्री का कोण बनता है। तो घड़ी के मिनट की सुई एक मिनट में 6 डिग्री का कोण बनाती है। अब मिनट है हमारे पास 10 मिनट में, तो मिनट 10 हैं तो फिर थीटा का मान आएगा 10 गुणा 6 बराबर 60 डिग्री। अब हम त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल ज्ञात कर सकते हैं, तो ज्ञात करें 22/7 गुणा 10.5 गुणा 10.5 गुणा में 60 बटे में 360। अब इसको काटना है ऊपर नीचे की संख्याओं में, अगर एक ही संख्या का भाग जा रहा हो तो हम भाग दे करके इनको काट देते हैं। जैसे इसमें भी जीरो है, इसमें भी जीरो है, नीचे नीचे ऊपर नीचे की संख्याएं एक समान हो तो कट जाती हैं। अब देखिए 6 का भाग दोनों तरफ जा रहा है, 6 का भाग इसमें देंगे 1 आएगा, इसमें देंगे 6 आएगा, 6 × 6 = 36 होता है। अब 3 का भाग जा रहा है इसमें भी और इसमें भी, इसमें अगर 3 का भाग देंगे तो 3 × 3 = 9, 3 × 5 = 15, और इसमें 3 का भाग देंगे तो आएगा 2, 3 का भाग 6 में देंगे तो 2 आएगा, 3 का भाग 10.5 में देंगे तो 3.5 आएगा। अब 2 का भाग 22 में देंगे तो 11 आएगा, ये आ गया 11 गुणा 3.5 गुणा 10.5 बटे में रह गया 7, बाकी सारी संख्याएं कट चुकी हैं। अब इनका गुणा कर दें, गुणा करें तो देखें 11 × 5 = 55 5 × 11 = 33 और 5 = 38 गुणा में 10.5 बटे में आ गया 7। गुणा में सा एक एक संख्या के करें, एक बार में एक संख्या का फिर आगे दूसरी का, इस प्रकार से एक एक संख्या का गुणा करें तो एक तो क्वेश्चन के स्टेप ज़्यादा हो जाते हैं और दूसरा क्वेश्चन करने में आसानी रहती है, रफ कार्य कम करना पड़ता है। अब देखिए 38.5 को गुणा करना है 10.5 के साथ, 5 × 5 = 25 = 2, 5 × 8 = 40 और 2 = 42 = 4, 5 × 3 = 15 = 4 = 19, 0 0 0 5 8 3 5 2 9 5 14 8 1 9 1 10 3 1 4 और 2 अक्षर पर पॉइंट। 5 × 5 = 25 = 2, 5 × 8 = 40 = 42, 4 5 × 3 = 15 = 4 = 19, 5 8 3 5 2 9 5 14 = 1 8 1 9 1 10 3 1 4, तो 404.25 बटे में आ गया 7। अब 7 का भाग दे दें, उत्तर आ जाएगा 7 का भाग दें 404.25 में तो 7 × 5 = 35 असल लगी 5, 7 × 8 = 56, 7 × 7 = 49, 14 × 9 = 5 0.2, 7 × 7 = 49
बच गए 12 में से 9 गए 3, 7 5 35, तो उत्तर आ जाएगा 57.75 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इस प्रकार से घड़ी के मिनट की सुई 10.5 सेमी लंबी हो तो 10 मिनट में जो त्रिज्या खंड बनेगा उसका क्षेत्रफल आएगा 57.75। अब इसमें ध्यान रखने वाली बात क्या है, ये बात ध्यान रखने वाली है क्वेश्चन में, और तो क्वेश्चन पहले ही निकाले थे हमने उसी के अनुसार है, लेकिन ये बात ध्यान में रखने वाली है कि घड़ी के मिनट की सुई 60 मिनट में 360 डिग्री के कोण पर घूमती है। इसका पता तो सबको होता है, इसी से हम ये लगा सकते हैं कि एक मिनट में कितने डिग्री का कोण बनाएगी। तो 360 में 60 का भाग दिखाएँ तो पता चल जाएगा कि एक मिनट में घड़ी के मिनट की सुई 6 डिग्री का कोण बनाती है। तो 6 का बनाती है तो 10 मिनट में कितने डिग्री के कोण पर घूमेगी, ये 60 डिग्री के कोण पर घूमेगी। अगर इसका पता है तो बाकी क्वेश्चन तो आपने जो पहले किया था उसी के अनुसार है। आगे देखें क्वेश्चन नंबर 6। छठा क्वेश्चन देखें, 3.5 सेमी त्रिज्या है, आर है 3.5 सेमी, थीटा का मान है 90 डिग्री, लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल बताना है। लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल, लघु वृत्तखंड के क्षेत्रफल का सूत्र होता है पाई आर स्क्वायर थीटा बटे में 360 डिग्री माइनस आर स्क्वायर बटे 2 साइन थीटा। इस प्रकार से होता है लघु वृत्तखंड, ये त्रिज्या खंड है, इसमें एक जीवा खींच दी, ये लघु वृत्तखंड हो गया। यहाँ का कोण 90 डिग्री दिया है, आर बताइए 3.5 सेमी। ये क्वेश्चन है, इस भाग का क्षेत्रफल हमें बताना है जिसे हम लघु वृत्तखंड बोलते हैं। तो पाई का मान 22/7 गुणा आर है 3.5 गुणा 3.5 गुणा थीटा का मान 90 है बटे में 360 डिग्री माइनस आर है 3.5 गुणा 3.5 बटे में 2 गुणा में साइन 90, थीटा की जगह आएगा 90 डिग्री। अब साइन 90 का मान एक होता है, साइन 90 डिग्री का मान एक होता है। अब इसको करें तो 0 से 0 कट, 9 चौके 36, 4 पे कट जाएगा, ये कट जाएगा 7 5 35 0.5, ये हो जाएगा 22 5 110 11.0 गुणा 3.5 बटे में आ जाएगा 4 माइनस 3.5 को 3.5 से गुणा करें तो 4 3 12.25 बटे में 2 गुणा साइन 90 का मान हो जाएगा ये। अब इसका गुणा कर दें 11 5 55 11 3 33 और 5 38.5, जीरो के बाद दशमलव के बाद जीरो का कोई महत्व नहीं है तो ये 11 ही है, 11 से इसको गुणा कर दिया, एक अक्षर बाद पॉइंट लगा दिया बटे में 4 माइनस 12.25 बटे में आ गया 2, एलसीएम ले लें 4 38.5 माइनस में 12 दूनी 24.5, इसमें से घटा दें 38 में से 24 तो ये बचेगा 14/4 या 2 का भाग जा रहा है दोनों में, काटेंगे तो ये आएगा 7/2 यानी कि 3.5 सेंटीमीटर स्क्वायर ये क्षेत्रफल हो जाएगा लघु वृत्तखंड का। बाकी पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में।